हम अभी भी इवैक्यूएट होकर आए हैं और अभी रोमानिया बॉर्डर की साइड पे हैं, मतलब रोमानिया, और हमको इवैक्यूएट होने में पूरा 5 दिन लगा है। और देखिए, इवैक्यूएशन होना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल या बहुत टफ है, लेकिन ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत पेशेंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता सब काम हो जाएगा, बट आप इवैक्यूएट हो जाओगे। और इसमें मैं एम्बेसी का बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ वहाँ पे जो और लोग हैं उनसे मैंने बहुत कॉन्टैक्ट किया कि आप मेरी हेल्प कर दो निकालने में, क्योंकि लेकिन कोई काम नहीं आ पाया मेरे से। लास्ट में ऑप्शन ये था कि मैंने एम्बेसी में कॉन्टैक्ट किया और बस फिर मैं 10 घंटे के अंदर ही वहाँ से इवैक्यूएट हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर देट। रोमानिया बॉर्डर से एग्जिट करना थोड़ा सा तकलीफदायक है, जैसे कि मुझे 2 रातें लगी और इस 2 रातों में मैंने बहुत माइनस टेम्परेचर था और स्नोफॉल भी हुआ, वो मैंने झेला, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि मुझे यूक्रेन से एग्जिट करने के लिए एक चारा मुझे दिख रहा था। और दूसरी बात थी खाने की, कोई वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है खाने में, बहुत सारे वॉलंटियर्स वहाँ पे हैं जो आपको खाने में, आपको खिचड़ी मिल जाएगा, कटलेट मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।